नगरीय प्रशासन और विकास मंत्रालय रायपुर द्वारा कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत के तौर पर गठित किया गया, परंतु इस गठन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष नगर पंचायत के गठन से खुश नजर आ रहा है और कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लहंगे से मिलकर उनको बधाई दे रहा है। वही दूसरा पक्ष नगर पंचायत के गठन से नाराज है और कोरिया कलेक्टर से मिलकर कोरिया कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पटना को ग्राम पंचायत ही रहने देने की सिफारिश की गई है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं, राज्यपाल के आदेशानुसार पटना नगर पंचायत का गठन हो चुका है और ये अफवाह जो फैलाया जा रहा है वो अवैधानिक है और पूर्ण रूप से पटना नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो चुका है। कुछ चंद लोग हैं जो कि पटना के लोग कम हैं, बाहर के लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है और ये बताया जा रहा है कि ये अवैधानिक रूप से पटना को नगर पंचायत बनाया गया है, जबकि उन्हीं लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। हाई कोर्ट से भी याचिका उनकी खारिज हो चुकी है। पूरा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पटना नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किया। अब आने वाले समय में हम सब लोग मिल के पटना नगर पंचायत का विकास के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बहुप्रलक्षित मांग रही है। सन 2011 में ही ये जो है नगर पंचायत के लायक हो चुका था। हर दृष्टिकोण से, भौगोलिक, आर्थिक और हर रूपरेखा से ये परिपूर्ण हो चुका था कि 2011 में जब माननीय श्री अजीत जोगी थे तभी इसको नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो जाना था, पर किन्हीं कारणों से आज जो मांग पूरी हुई है जिसके कारण पटना में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। सारे लोग खुश हैं कि जो नगर पंचायत का दर्जा मिला, अब हम गांव से शहर की ओर अग्रसर होंगे और ड्रेनेज सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, अन्य जो सुविधाएं हैं, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास के जो अभी कम पैसा ग्राम पंचायत में मिलता है, जो 260,000 रुपया होगा वो भी बहुत बड़ी गरीबों को सौगात के रूप में होगा, जिनका मकान बड़ा सुंदर रूप से तैयार होगा और सभी लोग खुश हैं। और आज जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, माननीय कलेक्टर साहब का धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रति है वो हमारे कार्यालय में रिसीव नहीं हुई है, तो इसमें जो भी नियम सर कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी बॉडी का गठन कर रहे हैं, जहाँ भी परिसीमन की कार्रवाई इसमें जो भी विशेष बची हुई है, जैसे निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी समय सारणी इसके संबंध में जारी होगी उसके अनुसार ही कार्रवाई इसमें की जाएगी।